देखिए हमें जिस जगह पर रात गुजारनी है सुबह सुबह 2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। गाइज हम लोग आ चुके हैं काफी ज्यादा घने और खतरनाक जंगल के अंदर और वो भी फुल नाइट कैंपिंग करने के लिए। और गाइज ये जो जंगल है कोई ऐसा वैसा जंगल बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर है काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक शिकारी जीव जैसे कि तेंदुआ और भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर एनिमल्स है। और साथ ही साथ गाइज आपको ये भी पता होगा कि ऐसे जंगल में सांप बिच्छू ये चीजें तो एकदम नॉर्मल होती है, तो अभी सोचिए इन चीजों के बीच में पूरी रात गुजारना कितना खतरनाक हो सकता है। बट आज हम ये करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो गाइज यहाँ पर आज की वीडियो जो होगी पूरी जो है वो एडवेंचर से भरी हुई और मजेदार होने वाली है, तो प्लीज इसके लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना गाइज ये तो नॉर्मल है, हम जा रहे हैं अभी इससे भी ज्यादा घने जंगल की तरफ। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं घने जंगल के अंदर और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर हम कितना सारा सामान जो भर कर लाए। ये जो पूरी गाड़ी है ये भरी हुई है सिर्फ और सिर्फ सामान की पूरी यहां पर हमें 2 गाड़ियां लेकर आना पड़ा क्योंकि सामान ही इतना ज्यादा था। अब सोचिए पूरी रात यहां पर हमें बितानी है तो ऐसे तो बिता नहीं पाएंगे, खाना सोने का इंतजाम सब कुछ हमें यहाँ पर खुद ही करना पड़ेगा। तो फटाफट से गाइस यहाँ पर जो हमारी जगह है पहले तो हम गाइस यहाँ पर साफ सफाई करने वाले हैं और बाद में हम यहाँ पर लगाने वाले हैं अपना टेंट। गाइस ये रहा हमारा टेंट, ये पूरे 15-20 किलो का टेंट है, अब इसको हम लगाने वाले हैं जगह पर। पहले टाइम पर जो अपना टेंट सेटअप कर लेते हैं नहीं तो अंधेरे में जो इसको लगाना भी मुश्किल रहेगा हमारे लिए, बाकी का जो सारा काम है वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से सारे पत्थर जो वो साफ किए जा रहे हैं, जगह को थोड़ा बहुत साफ एंड क्लीन किया जा रहा है ताकि अच्छे से हम यहाँ पर रह सके। कारपेट भी लगा रहे हैं और इसके ऊपर लगाएंगे अपना टेंट क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस यहाँ पर नीचे कांटे और बहुत सारे होने ही वाले हैं, पत्थर वगैरह कंकड़। हालांकि हमने थोड़ा बहुत साफ किया पर ज्यादा कर नहीं सकते इसको, इसीलिए हमें यहाँ पर नीचे कारपेट जो बिछाना पड़ा। ये गया पूरा हमारा टेंट। गाइज लुक एट दिस, ये टेंट जो वो कितना ज्यादा बड़ा है। और गाइज ये टेंट जो वो 12 लोगों का है, 12 बंदे इसमें आराम से सो सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर 6 लोग हैं, हाँ मतलब कंफर्ट लेवल यहाँ पर होने वाला है ठीक ठाक, हमारे पास जगह भी होगी खाना बनाने के लिए सोने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। तो फटाफट से जो टेंट है उसको शेप में लाते हैं। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके का एक कपड़ा होता है। गाइस तो हमारा जो टेंट है वो अभी लग चुका है, यहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देखिए तो टेंट का साइज बहुत बड़ा है और ये टेंट बना है 12 लोगों के लिए। यहाँ पर आइए प्रॉपर गाइस, ये कोई ऐसा वैसा टेंट नहीं है, अगर आप क्लियरली देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आपके पास एक कमरा है, पहला कमरा जो है इसके अंदर 5-6 लोग इजिली आप बैठ सकते हो, सो भी सकते हो 5-6 लोग, तो यहाँ पर आप कुछ काम वगैरह भी कर सकते हो। तो ये रहा हमारा दूसरा कमरा जो कि अगर आप चाहे तो इससे सेपरेट भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अभी हमें फटाफट से लकड़ियों का इंतजाम करना है कैंप फायर के लिए, फटाफट से अभी चलते हैं यहाँ से। गाइज अभी हम जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने के लिए बट यहाँ पर हमें फर्स्ट अपने गैजेट का यूज़ करना पड़ेगा हमारी जगह को जो सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में है एक लेज़र, अगर मैं इसको कहीं यहाँ पर रख दूँ, ये कैमरे में मुझे पता है आपको कम ही दिख रहा होगा बट यहाँ पर एकदम जो स्टार होते वैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे, इसको हम छोड़ कर जा रहे हैं ताकि अगर हम दूर चले जाए तो ये सारा जो नज़ारा है हमें दूर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अभी हम लोग जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने के लिए और गाइज ध्यान रखना ये जो हम लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं ये एकदम सूखी लकड़ियों को हम जो वैसे ही गिरी होगी उसको उठाएंगे और उसको काट कर ले आएंगे, वैसे किसी भी पेड़ को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। एक सूखा हमें पेड़ मिल चुका है जो पहले से सूखा है गाइज आप देख सकते हैं, तो ऐसी हम लकड़ियाँ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कैंप फायर के लिए। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर टूटी हुई है हम उसी को उठाकर काम में ले रहे हैं। चलिए गाइस तो अभी के लिए हमें उतनी लकड़ियाँ मिल चुकी है कि अपना काम जो वो चल जाए, कैंप फायर अपनी हो जाएगी। गाइस हमें रास्ता तो हम भूल चुके हैं कहाँ से आए थे बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भाई साहब वो जो जगह है ना वहाँ पर अपना टेंट है क्योंकि हमें आसानी से यहाँ से दिख रही है हमारी लाइट्स।
इतनी सी मिली है जो कि हमें बनी बनाई ऐसे मिल गई, तो हम उठाकर यहाँ पर ले आए हैं, पर कोई नहीं, हमारा काम जो इससे निकल जाए। गाइस अभी हम एक इन्वर्टर भी साथ में लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो काम करना होता है वो है वीडियो का मेन, तो लाइट के बिना वीडियो का काम नहीं हो सकता है, तो थोड़ी बहुत लाइट सेटअप हमें करनी पड़ेगी पावर सोर्स की मदद से। गाइस ये रहा अपना इन्वर्टर, अपने लाइट का जो जुगाड़ हमने कर लिया है। गाइज अभी हमने सब कुछ सेटअप कर दिया और अभी यहाँ पर लग रही है हमारी कैंप फायर, और इसको भी लगाने के लिए हमारे पास टूल है यहाँ पर। हम माचिस का यूज़ नहीं करेंगे, इसी की मदद से जो है आग को जलाने वाले। तो सिंपल सा होता है गाइज, यहाँ पर आपको सूखी घास लानी है यहाँ पर, और बाद में इसको चलाना है इस तरीके से, देखिए, और ईजिली गाइज यहाँ पर आग हमारी जो लग जाएगी। हमारी आग लग चुकी है, हम इसके ऊपर और सूखा जो घास डालेंगे। गाइज सच में अगर आपके पास ऐसे कुछ टूल हो तो कैंपिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इसका काम होगा जानवरों को यहाँ से दूर रखना, सांप कीड़े मकोड़े मतलब जो भी चीज़ें होती है जंगली, वो आग से तो दूर ही भागती है, तो ये भी काम आती है। और साथ ही साथ कैंपिंग पर आए हो तो कैंप फायर लगाना तो बनता ही है। गाइज अभी हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है और हमारी कैंप फायर हमारे इसी काम आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर खाना भी अभी बनना स्टार्ट होने ही वाला है। और खाने में आज कुछ हम अजीब सी चीज़ लाए हैं गाइज, वो आप लोग देखना। वैसा कैंपिंग वगैरह में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आज हम लेकर आए हैं, तो ये लगा दी आग। और खाने के लिए हम लाए हैं पिज्ज़ा, ये जो आप देख रहे हो ना इसके अंदर ही है पिज्ज़ा। तो ये एक दो ले लिए थे ट्रायल के लिए कि भैया हम अगर कैंपिंग पर जाए तो क्या ये पिज्ज़ा वगैरह ले जाना प्रैक्टिकल रहता भी है या फिर नहीं। फ्रोजन पिज्ज़ा है, देख लो ये भाई, सिर्फ क्या करना है आपको, इसको गर्म करना है, और ये ऑलरेडी ज़्यादातर तो बने होते हैं। तो ये लग चुका है हमारा फर्स्ट पिज्ज़ा यहाँ पर। गाइज ऐसे थोड़े बहुत कुछ हथियार लाने पड़ते हैं अगर आप जंगल में हो। इसका काम है अभी पिज्ज़ा को जो ऐसे काटना और पिज्ज़ा बनाना, ज़्यादा कुछ इसका काम अभी नहीं है। गाइज तो हमारा पिज्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है, इसकी हमें करनी पड़ेगी 6 स्लाइस यहाँ पर। यार कुछ अजीब से लग रहा है, मतलब हम जंगल में पिज्ज़ा खाने वाले अभी। ये लो सभी ले लो, आ जाओ सभी। टेस्ट अच्छा है। अच्छा है गाइज, भैया देखो अपना कोई एक्सपर्ट है नहीं, इसको मैंने थोड़ा सा जला भी दिया है, लेकिन ठंडे में बहुत मजा आ रहा है। आप अगर कहीं पर जा रहे हो कैंपिंग वगैरह के लिए, फ्रोजन पिज्ज़ा अच्छी चीज़ है। पिज्जा हमने टेस्ट कर लिया, अच्छा बना यार सच में, मैं तो जब से कम भी खा जाऊंगा। गाइज अभी हमने पिज्जा तो ट्राई कर लिया, बट असली चीज़ यहाँ पर जो हो वो मैगी है, क्योंकि हमें रात भी बितानी और हम यहाँ पर कोई ठोस खाने वाली चीज़ नहीं लाए। आपको पता है कैंपिंग वगैरह पे यही चीज़ें चलती है। गाइज तो ये रही अपनी मैगी, टोटल हम 6 लोग हैं तो 6 बंदों के लिए यहाँ पर मैगी बन रही है। पिज्जा कोई काम का था नहीं यार, इतना सा आया सबके उससे कोई काम चलने वाला था नहीं। गाइज मेरे हिसाब से अभी जो मैगी है हमारी रेडी हो चुकी है, और बस प्लेट ले लो सभी अपनी। सबसे ज्यादा मजेदार हिस्सा कैंपिंग का वो होता है मैगी, पता नहीं कैसी बनी होगी, अच्छी है। अच्छी बनी है। सही में हाँ। ओ गाइज फाइनली गाइज कैंपिंग करने आए हैं, गर्मा गर्म मैगी खा रहे हैं ठंड में बाहर बैठकर, बट भूल नहीं जाना ये जंगल है घर नहीं है। गाइज तो सबका खाना ऑलमोस्ट हो चुका है, मजा आया ना खाने में, तो मजा आ गया। गाइज अब हमें लगा था मैगी बनेगी खराब, बट गलती से मैगी बन गई अच्छी, और सब जो वो सफा चट कर चुके, किसी ने छोड़ा नहीं है मैगी को। गाइज तो हमारा खाना पीना जो हो चुका है, यहाँ से सारी चीजें समेट ली हमने, अभी जा रहे हैं बिस्तर लगाने के लिए। ओके गाइज तो ये सारी चीजें निकल, एक और है निकाल लेना। चलिए गाइज अभी जा रहे हैं टेंट के पास में, ये रहा अपना पूरा 2 कमरों वाला टेंट। शूज बाहर, हाँ शूज बाहर निकलना, ये हो गया बिस्तर। वैसे तो हो ही रखा है ना बिस्तर तो, हाँ नीचे तो गाइज सब डन है यहाँ पर। गाइज अगर देखो यहाँ पर गर्मी वगैरह हो रही है तो हम इस नेट को भी बंद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ी देर के लिए टेंट में आराम करने के लिए। दिक्कत ये है कि ये जो जगह है ये हॉटस्पॉट है लेपर्ड वगैरह आने जाने के लिए, तो इसी जगह पर आते हैं तो दिक्कत तो नहीं होगी ना कोई। पूरी रात यही पर रहने वाले है, और जब सो जाएंगे तभी यार अगर लेपर्ड वगैरह आ गया तो सोचिए क्या होगा। Hey Google, what is time right now? रात के 9:21। गाइस आप देख सकते हैं रात के 9:21 हुए है, यहाँ पर लेपर्ड वगैरह है, बट आज तक कभी इंसान पर अटैक नहीं किया है। पर हाँ उसको प्रॉपर यहाँ पर खाना वगैरह मिल जाता है तो इंसान पर कम ही अटैक करता है, बट लेपर्ड गाइज ऐसी चीज़ होती है कि वो उसके मतलब नहीं है ना, फिर भी वो अटैक कर देता है। तो यही कहानी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा होता रहता है कि लेपर्ड जो बिना वजह
लोगों को अटैक करता है। एंड देन यहाँ पर लेपर्ड के सिवा भी गाइस बहुत सारे जंगली जानवर है। गाइस कुछ तो आवाज आई है। रुको बाहर देखने ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना। रुको टेंट बंद है ना। गाइस टेंट बंद है, ध्यान से खिड़की बंद कर दो, टेंट की देखना तो पड़ेगा यार। गाइस सीरियसली अभी हम जस्ट जैसे बात कर रहे थे ना, मैं आपसे बात कर रहा था कैमरा पर, तो कुछ तो आवाज आई जैसे कोई यहाँ पर कोई ना कोई जो एनिमल था, हालांकि वो बड़ा था मेरे हिसाब से क्योंकि आवाज भी पैरों की वैसी ही थी। चलो जरा चलते हैं बाहर। रुको खोल दो, सेफ्टी के लिए ले जाओ, थोड़ा साथ में लेना सब। वो देखो देखो उसके, हां के पास ध्यान से आवाज में कौन वो गिर रहा है, वो जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, साइड में राइट साइड में देखो, राइट साइड यहाँ पर कौन सी साइड, वो देखो यहाँ नीचे से दिखेगा। गाइस कुछ तो है भाई, कुछ तो है, फाइनल बात है। वो आपको कहाँ पे यहाँ पे दिख रहा था कुछ? उसके आंखें मुझे चमक रही थी, वो पेड़ के पास। गाइस दो बंदों ने देखा है कुछ तो यहाँ पर है, पर अभी वो पता नहीं एग्जैक्टली क्या चीज थी। और वो गाइस हमें अपने टेंट के पास यहाँ पर समथिंग लाइक यहाँ पर कहीं पर होगा वो पहले, तो पैरों की आवाज आई। और देखो दिक्कत की बात ये थी वहां पर कोई खिड़की नहीं थी, तो हम डायरेक्ट बाहर से नहीं देख पाए। ये जो है ना गाइस, ये घास पत्ते सूख गए पूरे, ये एकदम सूखी हुई घास है देखिए यहाँ पे। तो अगर आप इसमें चलोगे तो सीधा किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई तो था, बट वो चीज थी भारी इतने, क्योंकि उसके पैरों की भी आवाज थी और साथ ही साथ ये जो घास वगैरह है ना इसकी भी आवाज आ रही थी। वो निकल गया, वो निकल गया आगे की ओर। जूता झाड़ना भाई, हाँ झाड़ भाई, ध्यान से गाइस, इसको भी बंद कर देना बाद में। गाइज देखना जरूरी है क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी चीज थी जो कि हमारे टेंट के एग्जैक्टली पास में आकर खड़ी रही थी, और जैसे हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे वो भाग गई। यार सीरियसली सच बता रहा हूँ गाइज, मुझे यहाँ पर अभी डर लग रहा है। अभी यार देखो कागज़ का टेंट है, कागज़ का ही बोल सकते हो, कुछ ज़्यादा मजबूत होता नहीं है। अभी वो कौन सा जानवर था या फिर क्या चीज़ थी वो हमें थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। साथ में रहना एकदम ध्यान से गाइस, अभी हम पता लगाने जा रहे हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में क्या थी। देखिए हमें जिस जगह पर रात गुजारनी है, वो भाई साहब ऐसा मत किया करो यार, यार सुसु निकल गया सबकी, थोड़ा सा हाथ बंद भाई साहब। यार एक तो हम डरे हुए ऊपर से, डराओ मत यार। हाँ यार यार गाइस मैं क्या कहता हूँ पता है, हमें वापस टेंट में चले जाना चाहिए क्योंकि यार देखो इस चीज़ का कोई भरोसा है नहीं कि क्या चीज़ थी। एक तो हमने देखा भी नहीं है ठीक से, और पता नहीं यहाँ पर कितना बड़ा जंगल है जिसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी चलेगा तो साउंड आ रहा है। देखो ठीक से देखो, लाइट करो यहाँ पर, लाइट करो दूर तक करो, आवाज़ है ना। गाइज मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कुछ 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 तो पैरों के निशान है यहाँ पर। ये अभी यही रास्ते से शायद कुछ निकला होगा, ये निशान ताजा लग पैरों के निशान है। तो हम चाहेंगे कि भाई सेफली अपने टेंट में वहाँ पर जाकर एक बार कंफर्म भी कर लेंगे। हम ये करते हैं, या तो एक एक बंदा एक घंटा झकता रहेगा। चलो चलो है गाइज, हम टेंट के पास तो वापस आ चुके हैं, एक काम करते अभी के लिए जो अपना वापस टेंट में चले जाते। गाइज अभी जस्ट हम बाहर से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और सभी अभी नर्वस लग रहे हैं क्योंकि यार हम हैं जंगल में टेंट के अंदर। और गाइज सीरियसली ये चीज़ मतलब आप कह सकते हो कि वैसे नॉर्मल नहीं है एक जंगल में जाकर कहीं पर भी कैंपिंग करना, क्योंकि देखो हमारी तो ये रात होती है बट जंगल के जो जानवर होते हैं वो तो अभी एक्टिव होते हैं। तो हमने यही प्लान किया है अभी के लिए कि एक बंदा जो वो कंटिन्यू जागता रहेगा और डेढ़ घंटे के लिए शिफ्ट रहेगी सबकी डेंट करने की, वैसे आगे आगे सब बढ़ते जाएंगे। हे गूगल व्हाट इज टाइम राइट नाउ? द टाइम इज 12:06 AM। तो गाइज आप देख सकते हो 12:06 हो चुके हैं अपने जंगल के अंदर ही। नेट को हमने करवा दिया है बंद, हम सबकी सोने की बारी है, समीर यहाँ पर जागने वाला है। कितने घंटे? 2 घंटे जाग जाओगे ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 12 बजे है रात के, एंड समीर 2 बजे तक जागेगा, उसके बाद चेंज शिफ्ट हो जाएगी ठीक है। गाइज 5 मिनट हुई है हमारी बात हुए हुए और सब जो वो सो चुके क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं एंड वो भी जंगल के अंदर। तो ये ड्यूटी है अभी समीर की, ये पूरा ध्यान रखेगा सब क्या हो रहा है ठीक है। तो अभी मैं भी सोने वाला हूँ। हे गूगल व्हाट इज टाइम राइट नाउ? द टाइम इज 1:13 AM। 1:13 हो चुकी है एंड
यहाँ पर जो है सारे बंदे सो चुके हैं और मुझे भी जो है हल्की सी जो है आँख लग गई थी, तो अब जो है कुछ रिस्क नहीं लेते और डायरेक्ट उठाते हैं। हेलो, अरे उठ जाओ, तो लाइट मारने पड़ेगी यार, तभी ये लोग उठेंगे। मुझे हल्की सी नींद लग गई थी तो मैंने सोचा कि अब रिस्क नहीं लेना चाहिए। 2 बजे गाइज मेरी शिफ्ट लगी है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर, तो भाई आप भी, मेरी आँखें खुली है जस्ट, पूरी खुल भी नहीं रही है, और बाकी सारे सो रहे हैं वैसे के वैसे। चलो ठीक है गाइज, 2 घंटे अपन को जाकर यहाँ पर बिताने हैं। गाइज तो फाइनली 4 बज चुके हैं एंड मेरी बारी जो वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से मैं जागा हूँ, अभी मेरी बारी हुई है ख़त्म बड़ी मुश्किल से। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग आपके लिए गुड हो सकती है, बट हमारा तो सुबह सुबह 2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर हमने ड्रोन उड़ाया था बट अभी वो ड्रोन है गाइस वो मिस हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है पूरा का पूरा, और उसका बैटरी लेवल जो अभी लो हो चुका होगा, ड्रोन हमारा कहीं गिर चुका है। अभी मुझे नहीं पता है ड्रोन कहाँ पर गिरा है, हम लोग जा रहे हैं ड्रोन ढूंढने के लिए। यहाँ पर 2 बंदे और सो रहे हैं, बट यार सुबह सुबह ये मतलब आज ही होना था, वो भी जंगल के अंदर। अभी 2 किलोमीटर दूर था हमारा ड्रोन और वहाँ से ये एकदम से गायब हो चुका है, रिमोट से वो डिस्कनेक्ट हो गया प्रॉपरली। दुआ करो मिल जाए यार, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सुबह सुबह। गाड़ी जो जाएगी रास्ता हो जाएगा वो एकदम अलग है, और ड्रोन हमारा था इस साइड जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, हमें 2 किलोमीटर जंगल के अंदर जाना पड़ेगा हमारे ड्रोन को ढूंढने के लिए। लेट्स सी, एक लास्ट होप है कि हम चलकर जा रहे हैं 2 किलोमीटर और हो सकता है हम ढूंढ लेंगे हमारे ड्रोन को। मे बी क्रॉस में जाना पड़ेगा ड्रोन ढूंढने के लिए, और वो भी अभी तक GPS सिग्नल दिखा रहा है बट वो कोई फिक्स नहीं है कि हमारा ड्रोन वहीं पर होगा या उसको वहीं पर होना चाहिए। अचानक से मेरे कंट्रोलर से डिस्कनेक्ट हो गया और गुम हो गया, अभी हम उसी को ढूंढने जा रहे हैं। कुछ तो अजीब चीज़ हो रही है गैस हमारे साथ में, गैस कब से चल रहे हैं पता नहीं, हम कहाँ पर पहुँचे हैं। ड्रोन में एक GPS होता है जो कि ड्रोन की लास्ट पोजिशन बताए जहाँ पर वो मे भी हो सकता है। गाइज देखिए, गाइज 1 आध घंटा हो चुका है हमें ड्रोन को ढूंढते ढूंढते, और हमें भी पता नहीं हम कहां पर आ चुके हैं, हालत खराब हो रखी है, और हम ऊंचाई देखिए कितनी पहुंच चुके हैं। फाइनली ड्रोन जो वो मिल चुका है, ओह माय गॉड, अब हमें पता नहीं हम लोग कहां पर है, हम आ चुके हैं ड्रोन को ढूंढते ढूंढते GPS पर। गाइज हमने 3.5 किलोमीटर जो जंगल में घुस कर कांटे लगाकर, आप हमारी हालत भी देख सकते हो कैसे कांटे हैं। हाँ यार ड्रोन मिल गया, थोड़ा बहुत हाँ डैमेज हुआ है गाइस, डैमेज हुआ है बट ज्यादा नहीं हुआ है गाइस। फाइनली ड्रोन मिल चुका है। 9 बज चुके हैं और हमें लग रहा है कि धीरे धीरे हमें पिकअप स्टार्ट कर देना चाहिए। पूरे बदन में खुजली हो रही है, वापस से वो रास्ता हम ले नहीं रहे, जो 2 बंदे वहां पर बिठा रखे है वो हमारा सामान जो पैक कर लेंगे, और अभी हम जा रहे हैं इस साइड, मे बी इस साइड हमें कोई रास्ता मिल जाएगा। गाइज अभी दिक्कत हो रही है यार, यहाँ पर कुछ नेटवर्क वगैरह आ नहीं रहा, हम किसी का कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आएगा, तो प्लीज इसके लिए जो लाइक का बटन है वो दबा देना, एंड चैनल पर नहीं है तो मेरे पास सब्सक्राइब जरूर से मार देना। हमें 15 किलोमीटर और चलना है, मिलते हैं।